नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रावल कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि दोस्तों आर एस अग्रवाल मैथ बुक के सॉल्यूशन हम कर रहे हैं एस सी एफ एल सी एम चैप्टर से। ठीक है दोस्तों, 44 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। आज के इस पार्ट में 45 से 55 क्वेश्चन तक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने 45 क्वेश्चन से। दोस्तों क्वेश्चन दिया है, 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभक्त हो, 10,000 के नियरेस्ट। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और बेसिक से भी करते हैं, दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है आर एस अग्रवाल का, नवीनतम अंकगणित के सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आर एस अग्रवाल के नवीनतम संस्करण के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 हमें दिया हुआ है दोस्तों, हमसे कहा है 10,000 के समीप तक। पहले ऑप्शन से चलते हैं, ऑप्शन से ऑप्शन के द्वारा हम इनको कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों 10,000 के समीपतम हमसे संख्या कितनी दी है, हमें 10,000, यानी कि हमसे कहा है 10,000 के निकटतम वो कौन सी संख्या होगी जो इन नंबरों से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो दोस्तों हम ऑप्शन को देखेंगे, तो हम देखेंगे 10,000 के समीपतम पूछा है। तो दोस्तों 10,000 जो ऑप्शन नंबर सी दिया है ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि समीपतम पूछा है ना कि उसके बराबर पूछा है। तो एक ऑप्शन तो हमने यहीं से कैंसिल कर लिया अपना। अब 10,000 के समीपतम एक ये संख्या है ज़्यादा पास में और एक ये संख्या है। तो पहले हम 9, 9, 6 को अगर डिस्कस करें, 9, 9, 6 अगर मैं मानता हूँ, तो दोस्तों यहाँ डिविजिबिलिटी रूल्स हमने नंबर सिस्टम में पढ़े थे, तो हमें पता है कि इस संख्या को इन सबसे विभाजित करने के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल तो हम बहुत आसानी से इन सारी चीज़ों को कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ देखें इस चीज़ को कि 9, 9, 6 अगर मैं मानता हूँ कि मेरा ऑप्शन नंबर बी मैंने लिया है और मैं मानता हूँ कि बी मेरा करेक्ट आंसर हो सकता है, तो दोस्तों 9, 9, 6 डिविजिबिलिटी रूल 3 से चेक करना है, 4 से, 5 से। तो दोस्तों 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट का या तो 0 होना जरूरी है या यूनिट डिजिट का 5 होना जरूरी है, जो कि ये इस कंडीशन को पूरा नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा करेक्ट नहीं हो सकता। दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए, डी ऑप्शन की तरफ चलेंगे, 10080। तो दोस्तों 3 की डिविजिबिलिटी है यूनिट डिजिट का, योग अगर डिविजिबल है तो संख्या डिविजिबल है, तो 8 और 1 9 ये डिविजिबल है, 4 लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल है, 5 के लिए 0 होना चाहिए और ये डिविजिबल होगी, 6 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए, तो हमने 3 की चेक कर ली, 2 की बिल्कुल 2 से भी है, 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, यूनिट डिजिट को दूना करके बची हुई संख्या में से हम घटा दें। तो अगर देखो 0 को दूना करोगे घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें मिल जाएगा 1008। ठीक है, अब 8 को दूना करोगे तो 16 हो जाएगा, माइनस 100 करोगे तो दोस्तों 84 आएगा और 84 7 से पूरी तरह डिविजिबल होता है। 80 का केस है लास्ट के 3 डिजिट, तो मैं कहता हूँ ये संख्या है, लास्ट के 3 डिजिट अगर मैं 8 से चेक करता हूँ तो ये पूरी तरह डिविजिबल है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस आपको समझाने की वजह से इतना टाइम लग गया इस चीज़ को बताने में, अन्यथा दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ सोचना है, क्वेश्चन को देखना है, अच्छे से पढ़ना है और आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। आंसर नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बेसिक से भी मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा आपको कि हमें करना कैसे होगा, अगर हमें ऑप्शन से नहीं जा सकते हैं हम तो बेसिक से हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं हम इनका एलसीएम लेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनका हम एलसीएम लेंगे, तो दोस्तों एलसीएम आएगा 840। आप लेके देख लीजिएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनका एलसीएम आएगा 840। तो दोस्तों जो हमें संख्या दी है 10,000 उसमें हम 840 का भाग लगाएंगे, एक बार चला जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 840 घटाओगे 1000 में से तो 160 बचेगा। ठीक है दोस्तों, फिर एक जीरो आ जाएगी, दो बार नहीं जा सकता, एक ही बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक ही बार। तो दोस्तों यहाँ से 760 बच जाएगा, ये जो 760 बचा है दोस्तों ये क्या है, मेरा शेषफल है। तो दोस्तों मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाए थे पिछले पार्ट में, माइनस कर देते हैं दोस्तों हम 760 भाग संख्या प्लस भाजक माइनस रिमाइंडर, यानी कि शेषफल, इस फॉर्मेट को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों 840 में से 760 घटाओगे तो दोस्तों 80 बचेगा, 10,000 प्लस 80, और आप दोस्तों जोड़ रहे होगे तो आ रहा होगा 10,080, यानी कि आंसर नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर फिर भी कितना आएगा, 10,080। अगर हमें बेसिक से करना है ऐसा क्वेश्चन जो एक फॉर्मेट है, जो एक तरीका है करने का, तो दोस्तों दिए हुए नंबरों का सबसे पहला स्टेप हमारा एलसीएम लेना है, उस एलसीएम से हमें दी हुई संख्या को विभाजित करना है, जो शेषफल आएगा, जो हमारा शेषफल आएगा उस शेषफल में को
अपने भाजक में से हमें घटाना है, उसके बाद जो हमें बचेगा भाजक में से शेषफल को घटाने के बाद जो नंबर बचेगा हमें उसे अपनी संख्या में ऐड करना है और दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, दोनों तरीके से मैं इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ। मोस्टली क्वेश्चंस दोस्तों एचसीएफ एलसीएम के आप दोस्तों ऑप्शन से कर सकते हो, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो कि पूर्ण वर्ग हो, 3, 4, 5, 6, 8 से पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं। देखो करना क्या होगा, सबसे पहले हम अपने हमसे क्या है छोटी से छोटी संख्या, हमें यहाँ से ये बात पकड़नी पड़ेगी छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या से स्टार्ट कर लें अगर हम लेना ऑप्शन को भी, तो दोस्तों 900 अगर मैंने ऑप्शन लिया मेरे को मालूम है 900 3 से डिविजिबल है क्या 4 से डिविजिबल है, तो आप देख रहे हो कि 4 से डिविजिबल 900 नहीं हो पाएगा किसी भी कंडीशन में, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। 5 से अगर चेक करोगे तो 0 होना चाहिए, तो देखो 5 एकम 5 4 5 48 5 से डिविजिबल है लेकिन ये 4 से डिविजिबल नहीं होगी। 1600 अगर हम ले लें ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम बी ले लें, बी को डिविजिबिलिटी रूल से चेक करें 1600 को, तो दोस्तों 1600 यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए जो कि है नहीं, 6 और 1 7 यूनिट डिजिट ऐसा होना चाहिए जो 3 के डिविजिबिलिटी को फॉलो करे, यूनिट डिजिट नहीं अंकों का योग, डिजिट का जो सम है वो ऐसा होना चाहिए जो 3 की डिविजिबिलिटी को फॉलो करे। 6 और 1 7 को जोड़ोगे, 6 और 1 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, और 7 3 से डिविजिबल नहीं होता तो ये बी भी नहीं हो सकता। सी की तरफ अगर हम अपना रुख करेंगे तो 2500, 5 और 2 जोड़ोगे 7 होगा, और 7 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 7 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2500 25 भी नहीं हो सकता। डी को देखेंगे अगर आप तो 3600, 6 और 3 9 यानी कि ये 3 से तो डिविजिबल है, क्या 4 से ये डिविजिबल है, 4 दिया हुआ है तो हमें मालूम है 4 9 4 36 होते हैं तो ये 4 से भी डिविजिबल है। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 0 होना चाहिए, 5 7 35 5 2 10 डिविजिबल है। 6 से चेक करोगे 6 3 36, 8 से चेक करोगे 8 4 32 8 5 40, तो ये इन सारे नंबरों से डिविजिबल कौन सा है 3600, तो आंसर होगा हमारा दोस्तों 36,3600, ठीक है। अगर हम ऑप्शन से जा रहे हैं, ऑप्शन से हम जब ही जाएंगे जब हमें डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। बेसिक से देखेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, दोनों तरीके से मेरी जितनी ज़्यादा कोशिश होगी दोनों तरीके से मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा। तो देखो दोस्तों सबसे पहले हमें 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम लेना है जो कि दोस्तों आएगा तुम्हारा 336। 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम, 3, 4, 5, 6, 8 का जो एलसीएम आएगा दोस्तों वो हमारा आएगा, नहीं दोस्तों एलसीएम नहीं लेना है, 3, 4, 5, 8 से हमें विभाजित करके देखनी है, सॉरी दोस्तों पूर्ण वर्ग पूछा है ना, तो पूर्ण वर्ग होगा तो ये पूर्ण वर्ग किसका होता है 60 का यानी कि 6 60 का, तो दोस्तों हमें करना क्या है कि हमें इनका पूर्ण वर्ग बनाना है 3, 4, 5, 6, 8, तो दोस्तों एलसीएम लेंगे 2, 5, 3, 4, 1, 5, 3, 2 फिर 2 से डिविजिबल कर दो 3, 1, 5, 3, 1 फिर 3 से कर दो 1, 1, 5, 1, 1, 5 से कर लो, ठीक है दोस्तों। तो हमें कितना मिला दोस्तों, देखो एक तो पूर्ण वर्ग हमें ये मिल चुका है 2 गुणा 2, 1 मिला है दोस्तों हमें सिंगल 2, इसको भी पूर्ण वर्ग बनाना है तो एक और की गुणा करनी पड़ेगी दोस्तों, 3 भी एक बार आया है 5 भी एक बार आया है, तो दोस्तों इसको भी पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा और इसको भी पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। देखो करना क्या है कि जो पूर्ण वर्ग हमें मिल चुके हैं, हमें 2 2 एक बार मिल गया पूर्ण वर्ग, ठीक है इतना हमें था, सिंगल 2 था तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मेरे को एक और 2 की जरूरत पड़ेगी वर्ग बनाने के लिए, 3 सिंगल था 3 को वर्ग बनाने के लिए एक और 3 की जरूरत पड़ेगी, 5 सिंगल था 5 को वर्ग बनाने के लिए एक और 5 की जरूरत पड़ेगी, तो दोस्तों हमें गुणा करनी है आपस में 55 25 75 75 2 150 2 300 2 300 2 600 2 1200 और 12 3 3600, ठीक है दोस्तों जैसे हमें आसान लगे हम उस प्रकार से अपनी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों बेसिक से करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट से भी ये हो जाएगा, रूल्स अगर इसको हम ऑप्शन से करने जाएंगे तो थोड़ा दोस्तों हमें कॉन्सेप्ट पहले समझ में होना चाहिए कि कह क्या रहा है, हो ये भी ऑप्शन से जाएगा लेकिन इस क्वेश्चन को हम बेसिक से ही करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 4 बचे। कह ये रहा है क्वेश्चन कि 1856 एक उसने हमें संख्या दी है, वो कह रहा है कि कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए इन ऑप्शन के आधार पर कि जो शेषफल को
घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। कौन सी ऐसी संख्या घटाई जाए इसमें से? तो दोस्तों 1856 हमें एक संख्या दी है, तो सबसे पहले दोस्तों हम जो हमें नंबर दिए हैं 7, 12, 16 इनका एलसीएम लेंगे तो दोस्तों 336 एलसीएम इसका आएगा। ठीक है, 1856 में हमें 336 का डिवाइड करना है तो दोस्तों कितनी बार जाएगा? 6 बार चला जाएगा क्या? छतम 36 के 6 और 6 3 18 और 3 21, 6 3 18 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार नहीं जाएगा, 5 ही बार जाएगा। 5 3 30 की 0 वहाँ से लगा 3, 5 3 15 16 17 18 यहाँ से लगा 1, 5 3 15 और 1 16 180। तो दोस्तों घटाओगे 6 15 में से 8 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 176। दोस्तों संख्या कितनी आ गई? 176 आ गई। कहने का मतलब क्या है? 176 क्या आ गई दोस्तों? संख्या आ गई। 1856 में से अगर आप 176 को घटा दोगे, संख्या में से इसको घटा दोगे 176 को, तो एक वो संख्या आ जाएगी जो इन सबसे पूरी तरह विभाजित हो रही होगी। अभी वो संख्या मिलेगी जो इन तीनों नंबरों से पूरी तरह विभाजित हो रही होगी, वो संख्या हमें नहीं मिलेगी कि प्रत्येक दशा में हमें 4 शेष बचे। हम 7, 12, 16 से भाग लगाएं तो 4 शेष बच जाए। इसके लिए दोस्तों हमें करना क्या होता है कि जो हमारा शेषफल आया है, जो हमारा क्या आया है दोस्तों? शेषफल। इस शेषफल में से दोस्तों हमें अपना जो शेषफल क्वेश्चन ने हमें दिया है, जो हमें क्वेश्चन ने शेषफल दिया है, इसको हम घटा देते हैं। तो दोस्तों 172 एक वो संख्या आ जाती है और यही वो आंसर है इस क्वेश्चन का कि 172 अगर मैं 1856 में से घटा दूं और फिर मैं उसे 7, 12, 16 से भाग लगाऊं तो प्रत्येक दशा में मुझे 4 शेषफल मिलेगा। देखो दोस्तों 1856 में से अगर मैं 172 घटा दूं तो देखो दोस्तों 4 बचा, 15 में से 7 गया 8 बचा और 7 में से गया 6 बचा 16। 1684 को अगर मैं 7 से भाग लगाऊंगा दोस्तों तो 7 2 14 2 8 7 4 28, 4 शेषफल। यही वो कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। 1684 को अगर मैं 12 से भाग लगाऊंगा तो 12 एकम 12 4 48, 12 4 48 शेष कितना बचा? 4 यहाँ से भी। 1684 को अगर मैं 16 से भाग लगाऊंगा तो 16 एकम 16 84 बचे, ना जाने की 0, 4 उतार लिया 84 हो गए, 16 5 80 तो भी कंडीशन में क्या बचा? 4। तीनों कंडीशन में आप देख पा रहे हो 4 शेष बचना चाहिए, क्वेश्चन ने ये कहा था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 से 51 तक और क्वेश्चंस लिख लिए हैं, इनको करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से विभक्त करने में से किसी से विभक्त करने पर 1 शेष बचे परंतु 7 से पूरी तरह विभक्त हो? दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन पिछले पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे, लगातार 3-4 क्वेश्चन किए थे। सेम उसी बेस पर ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48। तो दोस्तों करना क्या है क्वेश्चन नंबर 48 में, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। तो वह छोटी से छोटी संख्या, तो दोस्तों जो हमें संख्याएं दी हुई हैं हमें इनका पहले एलसीएम लेना है। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो उस वीडियो को देख ले और पिछले पार्ट को देख लो आप, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों का, इन सारे नंबर्स का हम क्या लेंगे दोस्तों? पहले एलसीएम लेंगे। मैंने बताया था एलसीएम लेंगे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा हो कि विभक्त करने पर 1 शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो या 7 का गुणज हो, तो हमें एक वो नंबर ढूंढना होगा। तो दोस्तों एलसीएम ले लिया मैंने 60, तो मैंने कहा आप 60K+1 क्यों? क्योंकि एलसीएम क्या है? 60। मैंने कह दिया 60K+1, प्लस वन क्या है? जो एक शेष बच रहा है। प्लस वन क्या है? जो हमारा एक शेष बच रहा है। तो 60K को हमें ब्रेक करना होगा, तो 60 को हम जिससे वो पूर्णतः विभक्त हमसे कह रहा है 7 से, उससे इसमें भाग लगाएंगे तो 7 8 56, तो 4 बचा, यानी कि 7 × 8 + 4K+1। यानी कि अब हमें ब्रेक करने से एक फ़ायदा ये हो गया कि हम के की वैल्यू आसानी से ढूंढ सकते हैं कि के का क्या मान रखेंगे किस संख्या को, जब हम इन नंबरों से भाग दे रहे होंगे तो वो हर दशा में एक शेषफल छोड़ के जा रही होगी। तो दोस्तों इतना तो हमें पता चल गया कि 56 जो होता है वो 7 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा रह गया प्रोसेस यहाँ से इधर वाला। तो 4K की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा? तो मैं अगर कहता हूँ के बराबर मैं अगर 2 रख दूँ तो दोस्तों 4 × 2 = 8 और 1 = 9। क्या 9 7 से विभाजित है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, 9 7 से विभाजित नहीं है। तो के की वैल्यू अब हमें और रखनी पड़ेगी, तो मैं कहूँगा अभी के की वैल्यू 5 रख लेते हैं। कितनी रख लेते हैं? 5 + 1, 4 5 20 और 1 21। क्या 21 7 से विभाजित है? तो आप कहेंगे हाँ 21 7 से विभाजित है, यानी कि के का मान जो आया, के बराबर कितना आया? 3 आया। अब मेरे को इस वैल्यू में इस के वैल्यू को रखना है, तो मैं कहूँगा 60
गुणा पांच प्लस एक, के बराबर पांच रखा है, तीन नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो छह पंजे तीस, 300 प्लस एक यानी कि 301। क्या ऑप्शन में हमें 301 दिया हुआ है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। 301 एक वो संख्या है कि अगर आप इसको 7 से भाग लगाओगे, 301 को 7 से भाग लगाओ तो देखो 7 चौक 28, कितने बचे 2 और 1, 7 एकम 7 21, सॉरी 7 21 पूरी तरह विभाजित हो रही है। 301 एक वो संख्या है, कंडीशन कह रही है परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो, तो 301 7 से पूरी तरह विभाजित है। अगर आप 2 से भाग लगाओगे, अब इस कंडीशन को यहाँ चेक करो 301 में पहले नंबर से डिवाइड करके, तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए, तो 2 एकम 2, 1 और 0 2 पंजे 10, कितना बचा? 1, शेषफल कितना आ गया? 1। अब आप 3 से 301 को भाग लगाओगे तो देखो 3 एकम 3, 0 1, यानी कि शेषफल कितना आया? फिर से एक आ गया। कहने का मतलब यह है इस क्वेश्चन का कि वो हमें वो छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जो 7 से तो पूरी तरह विभाजित हो ही हो, लेकिन अगर मैं 2 3 4 5 6 से भाग लगाऊं तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। एक अच्छे से कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि जल्द से जल्द लाइव आ सकें और आप बैठ के आप लोगों के सामने खड़े होकर यहाँ डिस्कस कर सकें, और भी नई सारी नई नई चीज़ों को हम पढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो दोस्तों इतनी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है, जिससे कि जल्द से जल्द हम लाइव आ सकें, ठीक है। 49, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रम से 12, 15, 16 से भाग देने पर क्रम से 7, 10, 11 शेष बचे। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। दोस्तों जो हमें नंबर दिए हुए हैं, जो ये नंबर दिए हैं, जो कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे क्रम से 12, 15 से भाग देने पर, जो भाग देने वाले हैं, तो दोस्तों मैं कहूँगा एलसीएम लेंगे हम इनका, एलसीएम ऑफ 12, 15, 16, ठीक है। मैं यहाँ कह रहा हूँ एक्स वाई जेड इनको, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ से एक बात समझिएगा, जब भी ऐसी चीज़ें आ जाएँ जहाँ शेषफल एक से ज़्यादा बच रहा हो और भाग देने के लिए भी संख्याएं 2 3 दे रखी हो और उतने ही हमें शेषफल बच रहे हो, जैसे यहाँ 3 संख्याएं दी हैं और 3 ही वो हमसे कह रहा है क्रम से शेष बच रहे हैं 7 10 11, तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट होता है एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस के, ठीक है। एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस के, एक्स वाई जेड क्या होंगे? मेरे ये नंबर होंगे, ठीक है। के, जहाँ के को मैं कहूँगा के बराबर होगा दोस्तों एक्स माइनस ए कॉमा वाई माइनस बी कॉमा जेड माइनस सी। दोस्तों ए बी सी क्या होंगे? दोस्तों ए बी सी होंगे मेरे जो मेरे को रिमाइंडर दे रखे होंगे क्वेश्चन में, जैसे 7 10 11, 7 10 11 मेरे को रिमाइंडर दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों। ये एक कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा जो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करना है, जिससे कि फटाफट से आप अपने आंसर पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों करते कैसे हैं इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं बताता हूँ आपको। देखो दोस्तों करना क्या है, जब भी हमें ऐसी कंडीशन का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले तो हमें एलसीएम बाद में लेना है, पहले हमें एक के निकालना है। तो दोस्तों एक्स कितना था मेरा? 12। ए कितना था दोस्तों मेरा? 7, ठीक है। ये किसके बराबर होंगे? ये के बराबर होंगे। वाई कितना है मेरा? 15। और शेष कितना है मेरा? 10। यहाँ से कितना है? 16। और यहाँ शेष कितना है? 11। तो आप देख रहे हो दोस्तों इनके बीच का डिफरेंस इक्वल आएगा। ये भी जरूरी है कि के बराबर जो डिफरेंस निकले इन दोनों का, वो कैसे, इन सब का वो कैसे आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए, जैसा कि यहाँ 5 5 आया। अब दोस्तों हमको एलसीएम लेना है अपने नंबर्स का, किसका? 12 15 16 का। और इनका हम एलसीएम लेंगे तो दोस्तों आएगा 240 माइनस के, के बराबर कितना था? 5। के की वैल्यू कितनी आ रही थी? 5। तो 240 माइनस 5 बराबर 235 के, और यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। बस इतना सा याद रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक बार फिर बता रहा हूँ, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस के, और जो के होगा ना, के बराबर होगा एक्स माइनस ए कॉमा वाई माइनस बी कॉमा जेड माइनस सी। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सेम क्वेश्चन है इसी फॉर्मेट पर, ठीक है। वहाँ और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान लगाओगे दोस्तों तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मैथ एक ऐसी चीज़ है कि प्रैक्टिस मांगती है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आप नई नई बुक से इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करोगे, उतना जल्दी आप सीख पाओगे, समझ पाओगे, जितनी बार रिपीट करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 50, सेम क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या
15, 25, 35, 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27, 37 शेष बचते हैं। यानी कि भाग देने वाले नंबर्स कितने थे, 4 थे, और रिमाइंडर कितने बच रहे हैं, 4 ही नंबर दे रखे हैं। सेम फॉर्मेट रहेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा। तो दोस्तों पहले निकालेंगे के बराबर, निकाल लेते हैं एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी, और मान लो पी माइनस क्यू। ठीक है, 4 दे रखे हैं, कुछ भी मान लो। ठीक है, या आप एक्स वाई जेड से पहले भी एक और नंबर ले सकते थे। ठीक है, तो हमें रखना क्या है, सीधा सीधा 15 में से हमें कितना घटाना है, 7। ठीक है, 25 में से कितना घटाना है हमें, 17। 35 में से कितने घटाने हैं, 27। और 45 में से कितने घटाने हैं हमें, 37। तो 8, 8, 8, 8, यानी कि k की वैल्यू कितनी आई, 8। यानी कि हर कंडीशन में इक्वल आई, k जो आएगा वो इक्वल ही आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब एलसीएम जो लेंगे हम, तो एलसीएम किसका लेंगे, जो हमें नंबर दिए हुए हैं 15, 25, 35, 45 का, इनका एलसीएम लोगे तो दोस्तों 1575 आएगा। 1575 आ गया। मैंने बताया था अभी आपको एलसीएम ऑफ नंबर्स माइनस के, के कितना है 8, तो 1567 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1567 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 58, 34 में से घटाने पर, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, बहुत अच्छे से समझिएगा, 58, 34 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32, 35 में से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, देखो अब वो बात आ रही है बड़ी से बड़ी संख्या की, और मैं कह रहा हूँ आपसे हमें क्या लेना है, एलसीएम। मैं कह रहा हूँ आपको क्या लेना है हमें, एलसीएम। जबकि हमने पढ़ा है कि जब भी कहीं बड़ी से बड़ी की कोई भी बात करी जाए तो हम वहाँ क्या लेते हैं, एससीएफ। लेकिन यहाँ हम क्या लेंगे, एलसीएफ नहीं लेंगे, यहाँ हम लेंगे एलसीएम। क्यों लेंगे, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एलसीएम लेना है, क्योंकि जो हमें नंबर दिए हुए हैं एससीएफ, भाई एससीएफ इन नंबरों का छोटा ही तो होता, भाई एससीएफ क्या होता, इन नंबरों को विभाजित कर रहा होता, तो यानी कि एक बहुत छोटी संख्या होती एक डिजिट की, यहाँ कहीं भी एक डिजिट की संख्या हमें नहीं दिख रही है। हम अपने ऑप्शन से भी आइडिया लगा सकते हैं कि हमें एससीएफ लेना है या एलसीएम लेना है। ठीक है, तो हमें इनका लेना है एलसीएम, किस किस का, हमें दिया हुआ है 20, 28, 32 और 35, हमें इनका एलसीएम लेना है, और एलसीएम आएगा इनका दोस्तों 1120। कितना आएगा दोस्तों, 1120। अब क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 58, 34 में से घटाने पर प्राप्त संख्या इन सब से विभाजित हो जाएगी। तो यानी कि 58, 34 में से अगर मैं 58, 34 में से अगर मैं 1120 घटा दूं तो मुझे एक संख्या मिलेगी, 58, 34 में से अगर मैं 1120 घटा दूं तो मुझे एक संख्या मिलेगी। देखो 4 मिल जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 मिल जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7 मिल जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 मिल जाएगा। यानी कि मेरे को वो संख्या मिल गई 4714। क्या मिल गई, 4714, एक वो संख्या मिल गई कि अगर मैं 58, 34 में से उस संख्या को घटा दूं तो बची हुई संख्या 20, 28, 32, 35 से विभाजित हो जाएगी। कुछ दोस्तों को ये भी लग रहा होगा कि ये हमारा आंसर है, बिल्कुल हाँ ये हमारा आंसर है, लेकिन कुछ के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि ये 20 से 28 से 32 से 35 से विभाजित होगी, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं होगी। सवाल ने हमसे ये कहा है 58, 34 में से बड़ी संख्या जो हमें ऑप्शन में दे रखे हैं क्या घटाएं कि संख्या एक ऐसी संख्या मिले कि 20, 28, 32, 35 से पूरी तरह विभाजित हो। तो दोस्तों 20, 28, 32, 35 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या कितनी आई थी, 1120। तो संख्या तो यही रहेगी, लेकिन हमें 58, 34 में से अगर हम 4714 घटा दें तो 4 में से 4 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 1120 अब वो संख्या मिल गई जो इन सबसे विभाजित होगी। क्यों, क्योंकि वो कह रहा था 58, 34 में से बड़ी संख्या घटाई जाए, हमें ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन दे रखे थे, और देखो ऑप्शन 1120 यहाँ इस दे रखा है कि अगर हम इसको घटा दें 1120 को तो हमें कितना मिलेगा, 4714। ठीक है, और अगर हम 4714 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1120। कंफ्यूज करने के लिए हमें एलसीएम भी दे दिया है नंबर्स का, और घटाने के बाद एलसीएम में से जो संख्या आएगी वो भी दे दिया है। तो दोस्तों बहुत ध्यानपूर्वक आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों,